खुश है दो नंबरी, जूता दस नंबरी। Ladies and gentlemen, मैं आपको बाय-बाय करने आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ जितनी मोहब्बत मैंने आपको दी उतनी ही मोहब्बत आप ही मुझे देंगे। Oh my God, अमित जी, इसे रोको, रोको इसे। अंता हबीबी हैया हैया, वल्लाह वल्लाह, कोई जूते से न मारे मेरे दीवाने को, मैं हाजिर हूँ सदारत की सजा पाने को। पर ये मुझे मार क्यों रहा था, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। अच्छे तो आप कुछ ज्यादा ही हैं, इसीलिए तो ये आपकी नजर उतार रहा था, वो भी काले जूते से। नजर ही उतारनी थी तो मेरे कान के साथ लटका देता, जूठा मारने की क्या जरूरत थी। वो आपको नहीं, आपके ऊपर बैठी मक्खी को मार रहा था। वो किस्मत अच्छी है उस मक्खी की, या फिर उसका निशाना खराब था। सर मंडवाते ही ओले पड़े, इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा। दुख रहेगा चप्पल न लगने पर? I mean, किस बात पर दुख? जूठा इतने करीब से गुजरा के मैं उसे पकड़ भी नहीं सका। इतना खूबसूरत जूठा कम से कम 5,000 का तो होगा। 5,000? लेकिन लाइट हाउस में तो वही जूता 300 रुपए का है। व्हाइट हाउस में तो सदर है, या लाइट हाउस में क्या है? लाइट हाउस भी सदर में है, पर आप इसे लाइट ना लो। वो मेरा ख्याल है चप्पल मार के चेक कर रहा था, ये बुश असली है या चाबी वाला। अभी चाबी दो तो नाचना शुरू हो जाएगा, चल चाहिया चाहिया चाहिया। बहरहाल दुख इस बात का है किसी मर्द ने मुझे चप्पल क्यों मारी, मैंने तो उसे आंख भी नहीं मारी। एनीवेज, चप्पल पर फिंगरप्रिंट्स उसामा बिन लादेन के हैं और इसमें अलकायदा इन्वॉल्व है। कोई बात नहीं, आप इसी जज्बे से इंक्वायरी करो, इज्जत आने जाने वाली चीज है, चप्पलें तो भी बहुत आएंगी, पकड़ते रहना फिंगरप्रिंट्स। कुछ है दो नंबरी, जूता दस नंबरी।